Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. Students, today we are doing BA part 2 second paper, resource geography, sansadhan bhugol. I am Dr. Gayatri Yadav, associate professor in geography in BSR Government Arts College Alwar. तो स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है राइस या चावल. चावल एक खरीफ की फसल है जिसको कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान इंडिया में बोया जाता है और इसकी फसल के लिए हमको काफ़ी वर्षा की आवश्यकता होती है. तो ये खरीफ की फसल है. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि खरीफ और रबी की फसलें क्या होती हैं. खरीफ की फसल का फसल चक्र जुलाई से अक्टूबर तक होता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून या समर मानसून के दौरान ये फसल बोई जाती है. रबी की फसल का फसल चक्र अक्टूबर से मार्च तक होता है और ये शीतकालीन मानसून के दौरान होती है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान होती है. मार्च और जून के बीच में उगाई जाने वाली फसलें गर्मी की फसल होती हैं, जिन्हें जायद नाम से जाना जाता है. खरीफ की फसलों में मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और कपास. रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, दाल, अलसी, सरसों, तिलहन आदि. तो अब हम आते हैं चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियां, ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस. तो पहले हम ये देखते हैं कि किन अक्षांशों में राइस को उगाया जा सकता है. तो राइस को उगाने के लिए, चावल को उगाने के लिए हम लगभग 7-8 डिग्री उत्तर से लेकर 50 डिग्री उत्तर तक का क्षेत्र ठीक है. ज़्यादातर ये लो लैटिट्यूड्स में उगाया जाता है क्योंकि इसके उत्पादन के लिए तापमान थोड़ा ऊंचा ही चाहिए. तो विश्व के विभिन्न भागों में चावल का उत्पादन 39 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ तक होता है. भारत में चावल की खेती 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 34 डिग्री नॉर्थ तक की जाती है. केरल की कुट्टानाद घाटी में सागर स्तर के नीचे से लेकर कश्मीर की घाटी में 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक इसे उगाया जाता है. तो हम देख सकते हैं, अभी हम इंडिया के मैप में देखेंगे कि इसका जो कल्टीवेशन एरिया है वो काफी वास्ट है और काफी समुद्र तल से काफी ऊंचाई तक इसको बोया और इसकी फसल ली जा सकती है. चावल की खेती के लिए तापमान जो आवश्यक है वो है 20 से 30 डिग्री के बीच में सामान्य तापमान और वर्षा 75 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए. तो यदि वर्षा पर्याप्त न हो तो सिंचाई के द्वारा भी इस खेती को किया जा सकता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में किया जाता है. चावल की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी होती है, क्योंकि चावल को उगने के लिए काफी नमी की आवश्यकता होती है और चिकनी मिट्टी पानी को अपने अंदर रोक के रखती है. चावल की सफल खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच है वो 5 से 8 तक होना चाहिए. चावल गीली और नम जलवायु के साथ जुड़ा हुआ है, उसको उगने के लिए काफी नमी चाहिए होती है. यह उष्णकटिबंधीय पौधा नहीं है क्योंकि गर्मी में ये नहीं उग पाता है. इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि धान पूर्वी हिमालय की तलहटी में पाई जाने वाली जंगली घास का वंशज है. एक विचार के अनुसार धान का जन्म दक्षिण भारत में हुआ और बाद में यह देश के उत्तरी भागों में फैल गया और उसके बाद ये चीन तक पहुंच गया. अभी हम वर्ल्ड मैप पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. चीन में काफी धान की खेती होती है. जापान और इंडोनेशिया में इसका आगमन लगभग 2000 ईसा पूर्व, तो कोरिया, फिलीपींस में लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है. दुनिया भर में चावल की यात्रा धीमी रही है, लेकिन एक बार आने के बाद ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं इसको कि बहुत ही पॉपुलर फूड है ये, और
ये एक बार विश्व के लोग विश्व में आने के बाद ये बहुत से लोगों के लिए एक प्रमुख कृषि और आर्थिक उत्पाद बन गया है। यदि हम 2011-12 के आंकड़े देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की भूमि में 1/4 से अधिक में चावल बोया जाता है। तो उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खाद्यान्नों में ये कितना महत्वपूर्ण है। यह भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में दैनिक भोजन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। दक्षिणी भारत में तो चावल ही एक तरह से स्टेपल डाइट है, वहाँ बाकी अनाज कम खाए जाते हैं। उपमहाद्वीप के उत्तरी और मध्य भाग में जहाँ गेहूं अक्सर खाया जाता है, वहाँ चावल अपना खास स्थान रखता है और त्योहारों पर और विशेष अवसरों पर इसको पकाया जाता है। अब हम इंडिया के मैप पे देखते हैं तो आप इंडिया के मैप पे देख सकते हैं कि पूरे वेस्टर्न घाट्स में यानी अरेबियन सी का जो भी कोस्टल एरिया है, पूरे वेस्टर्न घाट्स में आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर चावल की खेती काफी अधिक होती है। ईस्टर्न घाट्स में और भी चौड़ी, क्योंकि यहाँ पर महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये चार नदियों की यहाँ पर हमको मैदान मिलते हैं, तो यहाँ पर भी चावल काफी अधिक बोया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि दक्षिणी भारत में चावल की खेती काफी बड़े क्षेत्र में होती है। इसी प्रकार ईस्टर्न इंडिया में हम देख सकते हैं कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज नदियों से जो मैदान बनते हैं, उन सब मैदानी भागों में हम देख सकते हैं कि ये चावल की खेती होती है। ये हरियाणा और पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में, ये जो तीन जो राज्य हैं, इनके जो भाग हैं, इनमें ये चावल की खेती सिंचाई के द्वारा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है और वेस्ट बंगाल का जो पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र है, उनमें भी चावल काफी उगाया जाता है और वहां पर यह भोजन का प्रमुख भाग भी है। अब हम वर्ल्ड की सिचुएशन देखते हैं। इंडिया तो हमने देख लिया, वर्ल्ड की सिचुएशन देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड में चावल ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में ही उगाया जाता है। ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, चीन में बहुत ज्यादा चावल होता है, इंडिया में होता है, उसके बाद वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पूरे साउथ एशियन, ये जो साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा चावल बोया जाता है। यदि हम साउथ अमेरिका को देखें तो ब्राजील में भी चावल का अच्छा उत्पादन होता है। इसके अलावा विश्व के कई भागों में चावल बोया तो जाता है, लेकिन उसकी उसका इतना ज्यादा प्रोडक्शन वहां नहीं होता, क्योंकि वहां की जलवायु परिस्थितियां चावल के लिए उत्तम नहीं है। तो हम देख सकते हैं चाइना, इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इन सब भागों में विश्व का अधिकतम चावल बोया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे वर्ल्ड वर्ल्ड में और इंडिया में चावल के रीजन्स, और आज हमने चावल की खेती के बारे में पढ़ा कि उसके लिए क्या कौन सी दशाएं उपयुक्त हैं, और चावल के क्षेत्रों के बारे में भी पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में चावल की खेती के ऊपर इतना ही। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड गुड नाइट।